बड़ी मेहनत से खाना बनाने के बाद जब खाना बच जाता है, जब रोटियां बच जाती हैं, तो बड़ी देर तक उनको अफसोस के साथ निहारते हैं कि अब इन रोटियों का क्या करें। हेलो फ्रेंड्स, कमलेश संधू कुकिंग आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बचे खाने से या बची रोटियों से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बचे खाने से भी इतना स्वादिष्ट नाश्ता हम बनाएंगे कि सारा परिवार खाकर पूछेगा, क्या ये वही खाना है जो बचा हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं शुरू। रोटियों के साथ साथ ये कुछ सब्जी भी बची हुई है, मैं इसको भी इसी में इस्तेमाल कर दूंगी। ये मैंने पोहा ले लिया है भिगो कर, पोहे को मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया है और ये प्लेट में फैला लिया है ताकि मैं रोटियों पर इसे अच्छी तरह लगा सकूं। मैंने आधा कप बेसन का घोल बना लिया है और मेरे पास कुछ पोहा और ब्रोकली भी बचे हुए हैं, उनका भी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, सबसे पहले आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, और इसमें डाल देती हूँ भुना जीरा 1/4 चम्मच, और मैं डालूंगी इसमें कुछ बेकिंग पाउडर ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए, फर्मेंट हो जाए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाली है, कामकाजी महिलाओं के लिए ये बड़ी यूजफुल रेसिपी है। बेसन घोल को हम बिल्कुल पतला बनाएंगे, ये थोड़ा टाइट लग रहा है तो इसलिए मैंने 2 चम्मच पानी और डाल लिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2-4 मिनट के लिए इसे ढककर अलग रख देंगे ताकि ये फर्मेंट हो सके। आइए करते हैं आगे शुरू। ये मैंने रोटी ले ली है, इस पर सबसे पहले मैंने ये पोहा बचा हुआ था मेरा तो ये मैंने ये डाल दिया है। अब जो भी सामान मेरे फ्रिज में बचा हुआ है मैं उसको सारे को इसमें इस्तेमाल करूंगी। इसके ऊपर से हम रोटी रख देते हैं और फिर से मेरे घर में पाव भाजी बची हुई है, मैंने पाव भाजी भी लगा दी है। और इसके ऊपर रोटी रखने के बाद ये ब्रोकली बची हुई थी तो मैंने ये ब्रोकली भी कद्दूकस करके इस पर लगा दिया, ऊपर से रोटियां रख देती हूँ। ये बेसन मैंने चौड़े बर्तन में डाल लिया है, इधर मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही इधर हमारी तैयारी होगी इधर तेल भी गर्म हो जाएगा तब तक। और मैं रोटियों के चारों तरफ ये घोल लगा लेती हूँ, बेसन वाला मैं साइड में लगा रही हूँ ताकि ये साइड से खुले ना, और ऊपर भी अच्छी तरह बेसन लगा दूंगी मैं। बेसन के घोल में अच्छी तरह लपेट देंगे रोटियों को, और ऊपर से मैं थोड़ा सा इधर कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ, सुंदर भी लगेंगी और टेस्ट भी आएगा। अब बेसन के बाद हम पोहा लगा लेंगे चारों तरफ इसके, और अब डाल देते हैं गरम तेल में तलने के लिए। मैंने सेलो फ्राई करना है इनको तो मैंने जरा सा तेल डाला है, बहुत ज्यादा तेल मैंने नहीं डाला है, डीप फ्राई नहीं करना है। अब उलट पलट कर अच्छी तरह इन्हें दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्पी कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे उलटते पलटते ताकि ये रोटियां खुल ना जाएं, और तुरंत इनके किनारों को जमा कर रखना है ताकि बराबर बाहर ना निकल जाए। इन रोटियों की सेटिंग को भी संभाल के रखना है, 2-3 मिनट के बाद इसे उलटते पलटते रहें, और उलटते पलटते समय 2 पलटों की सहायता से इसे पलटें और दोनों तरफ से अच्छी तरह क्रिस्पी कर लें। ये देखिए, मैं पलटे से बार बार दबा के इसे अच्छी तरह सेक रही हूँ ये, ताकि कहीं से कच्चा ना रह जाए, क्योंकि ये बेसन है तो थोड़ा टाइम लेता है पकने में, इसीलिए इसे दबा दबा कर पकाएं ताकि दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी हो जाए। और जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो हम डालेंगे इस पर चीज। ये वैसे तो काफी क्रिस्पी हो चुका है, आइए थोड़ा सा चीज ऊपर से टेस्ट के लिए डाल देते हैं। ये देखने में सुंदर और खाने में टेस्टी लगेगा, और वैसे भी हम बचे हुए खाने से खाना बना रहे हैं तो आज हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले इसे स्वादिष्ट बनाने में, तो इसलिए इसे क्रिस्पी भी बनाना है, स्वाद भी बनाना है, और लुक भी इसकी बढ़िया सी बनानी है ताकि सारे गप गप करके खा जाएं। तो आइए, बन गया है हमारा ये नाश्ता, काट लेते हैं बीच से और करते हैं बढ़िया सा सर्व। वैसे तो हमने सारी टेस्टी चीजें इसमें लगा रखी हैं, लेकिन
फिर भी दही और चटनी के साथ सर्व करेंगे, ऊपर से बढ़िया सी डेकोरेशन भी करेंगे, तो सर्विंग देख के ही उनका खाने को मन करेगा और गप गप करके खा जाएंगे। इतना बढ़िया नाश्ता बनाने के बाद मैं आपसे ये तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी किसी स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।